ताजपोशी के बाद राहुल गांधी पहली बार रामलीला मैदान में 29 अप्रैल को होने वाली जन आक्रोश रैली का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की ये पहली रैली होगी। रेप की घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ग्रेटर नोएडा इलाके में स्थित एक नामी स्कूल की 11वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। आरोप है कि उसके साथ पढ़ने वाले एक लड़के और उसके दोस्तों ने ही गैंगरेप किया। गाजियाबाद में मामूली बात पर प्राइवेट बस कंडक्टर और यात्री के बीच मारपीट हो गई। इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि यात्री को नीचे उतार दिया गया, लेकिन बस से उतरते उतरते भी मारपीट जारी रही। बीते दिनों नॉर्दर्न रेलवे की दिल्ली डिवीजन ने पोर्टर चार्ज में बढ़ोतरी की थी, लेकिन 2 महीने से भी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी अब तक स्टेशन पर नए रेट कार्ड अपडेट नहीं हुए और फिर से इसके लिए 1 हफ्ते का समय मांगा गया है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 10वीं क्लास की एक छात्रा की लाश उसी के घर पर सीढ़ियों से लटकी मिली। परिजनों ने अपनी बेटी की हत्या की आशंका जताई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के निर्देशों के अनुसार सोमवार को दक्षिण दिल्ली नगर निगम के 2 जोनों में सीलिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 29 प्रॉपर्टियां सील हुईं। निगम के मुताबिक केंद्रीय और पश्चिमी क्षेत्र में सीलिंग की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दिल्ली के गांधीनगर में एक गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग ने 3 मंजिला फैक्ट्री की पहली और दूसरी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 2 मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई। राजधानी में एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश हुआ है जो ऑनलाइन पोर्टल पर सस्ते में कार, बाइक या अन्य सामान बेचने का विज्ञापन डालते थे और लोगों की ठगी करते थे। क्राइम ब्रांच ने जब उनको पकड़ा तो उनका तरीका सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। UPSC की तैयारी कर रही एक छात्रा ने 8 महीने पहले मौत को गले लगा लिया था, अब जाकर इस खुदकुशी के राज का पर्दाफाश हुआ है। नेपसराय इलाके में लगभग 8 महीने पहले हुई युवती की इस खुदकुशी का कारण बदनामी का डर था। दोस्त उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे परेशान कर रहा था। पश्चिमी दिल्ली में रहने वाले 2 दोस्त मौज मस्ती के लिए अपना सपना छोड़कर झपटमारी करने लगे। आरोपियों में एक का सपना क्लब में DJ बनने का रहा तो दूसरा बार टेंडर बनना चाहता था। अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। थाना साहिबाबाद के DLF क्षेत्र से गाजियाबाद पुलिस ने 9 जुआरियों को पकड़ा है। हैरान करने वाली बात यह है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनमें से एक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल भी है। गाजियाबाद पुलिस ने इन्हें गैम्बलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 36 घंटे के भीतर 2 प्रॉपर्टी डीलर्स पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 1 प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई है। दोनों ही मामलों में पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने मंगलवार को काम बंद रखने का फैसला किया है। गर्मियों की छुट्टियों में भी भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए नॉर्दर्न रेलवे ने 22 अतिरिक्त रेलगाड़ियां शुरू की हैं। गर्मियों के लिए शुरू की गई ये रेलगाड़ियां कुल 1013 चक्कर लगाएंगी, जिससे यात्रियों को बहुत हद तक सहूलियत मिलने की उम्मीद है। गोविंदपुरी के तुगलकाबाद में बंद कार में शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान रूपेश के रूप में हुई है, जो जोरबाग स्थित राजीव भवन में गाड़ी चलाने का काम करता था। शव पर चोट का कोई निशान नहीं मिला है, इसलिए प्राकृतिक मौत बताई जा रही है। नोएडा के सेक्टर 44 में 8 साल की बच्ची के साथ रेप का प्रयास कर रहे युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पहले आरोपी का मेडिकल कराया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। देश में करीब 15 लाख से 40 लाख के बीच सड़कों पर कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, जिनमें से 40% महिलाएं और 30% कम उम्र की लड़कियां कूड़े के ढेर में सशक्तिकरण तलाश रही हैं। अकेले दिल्ली में ही 5 लाख लोग सड़कों पर कूड़ा बीनते हैं। दिल्लीवासी जल्द ही नए रूट पर मेट्रो से सफर कर सकेंगे। मजलिस पार्क से साउथ कैंपस के बीच चल रही पिंक मेट्रो जल्द ही लाजपत नगर तक सफर करवाएगी। जल्द ही इस पर ट्रायल भी शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद जून महीने से यात्री इसमें सफर कर सकेंगे। 10वीं और 12वीं के पेपर लीक मामले की जांच अब अंतिम कड़ी में पहुंच गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज CBSE के निलंबित अधिकारी KS राणा से पूछताछ करेगी। सीलिंग मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। जस्टिस MB लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पेशल टास्क फोर्स को 2 सप्ताह के अंदर सड़कों और फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है।
राजधानी में केजरीवाल सरकार के सहयोग से पहला हाईटेक ई मंडी बनाने का रास्ता साफ हो गया है। ई मंडी में किसानों और मजदूरों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तमाम सुविधाओं पर खासा ध्यान दिया जाएगा। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके की आशियाना सोसाइटी के 11वें फ्लोर से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक महिला की पहचान देवकी के रूप में हुई है। गोविंदपुरी के तुगलकाबाद इलाके में बंद कार में शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान रूपेश के रूप में की गई है, जो जोरबाग स्थित राजीव भवन में गाड़ी चलाने का काम करता था। गाजियाबाद में मामूली बात पर प्राइवेट बस कंडक्टर और यात्री के बीच मारपीट हो गई। इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि यात्री को बस से नीचे उतार दिया गया, लेकिन बस से उतारते उतारते भी मारपीट जारी रही। कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी गैंग के शार्प शूटर बलराज भाटी को हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस ने जहां बलराज को मार गिराया, वहीं मौके से उसके दो साथी फरार होने में सफल रहे। मानसरोवर पार्क स्थित बनी रेलवे लाइन के पास सैकड़ों झुग्गियों में भीषण आग लग गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक गरीबों का आशियाना पूरी तरह से जलकर राख हो गया था।